चांदपुर क्षेत्र के बवनपुरा में पुलिस के साथ बड़ा हादसा होते होते बचा। अनियंत्रित होकर पुलिस चौकी से टकराई कार चालक हुआ घायल। जनपद बिजनौर में झमाझम बारिश के साथ बदले मौसम के मिजाज। बारिश के चलते बढ़ी ठुठरन, दूसरी तरफ बारिश से किसानों की गेहूं की फसल को हुआ फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले में कालागढ़ में भारतीय जनता पार्टी मंडल कालागढ़ के कार्यकर्ताओं ने फूका पंजाब सरकार का पुतला। स्योहारा में किया गया स्योहारा प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। पूर्व विधायक डॉक्टर इंद्रदेव सिंह ने शॉट लगाकर किया टूर्नामेंट का शुभारंभ। जनपद बिजनौर की थाना नगीना देहात पुलिस ने जंगल से कीमती लकड़ी काटकर चोरी करने वाले 5 साथी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। लकड़ी काटने के उपकरण और अवैध शस्त्र भी बरामद किए। जनपद बिजनौर की थाना मंडावर पुलिस ने चौकीदार की हत्या कर ट्रैक्टर लूटने की घटना का किया पर्दाफाश। अभियुक्त लूटे गए ट्रैक्टर सहित गिरफ्तार। मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव शाहपुर जमाल में विद्यालय की भूमि पर पंचायत भवन निर्माण कराए जाने से ग्रामीणों में रोष। ग्राम प्रधान सहित दर्जनों ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी से की निर्माण रुकवाने की मांग। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना को लगता दिख रहा पलीता। अचानक हुई बारिश के कारण गिरी विकलांग गरीब के घर की दीवार, अधिकारी नहीं कर रहे कोई सुनवाई। सिहारा की एमक्यू इंटर कॉलेज में वैक्सीनेशन के लिए किया गया शिविर का आयोजन। 15 से 18 वर्ष तक के छात्र छात्राओं को लगाई गई वैक्सीन। जनपद संभल की थाना असमोली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोवंशीय पशुओं की हत्या करने वाले 3 अभियुक्तों को अवैध शस्त्रों के साथ किया गिरफ्तार। जनपद संभल की थाना धनारी पुलिस ने किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा। भारी मात्रा में बने और अनबने तमंचों के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर लॉगिन करिए। अभी तक चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अपने जिले की खबरों के साथ।